और रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, नक्सलवादी और बंटाधार जैसे शब्दों को बहाल करने की मांग की है। रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर ये मांग की है। कल ही विधानसभा ने लगाई थी कुछ शब्दों पर रोक। विधानसभा अध्यक्ष से रामेश्वर शर्मा ने पत्र लिखकर मांग की है, नक्सलवादी और बंटाधार जैसे शब्दों को बहाल करने की मांग की गई है। कल ही विधानसभा ने लगाई थी कुछ शब्दों पर रोक। रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है, पत्र लिखकर मांग की है, नक्सलवादी बंटाधार जैसे शब्दों को बहाल करने की मांग की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अंकुर अधवरियो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और पत्र लिखकर मांग की है नक्सलवादी बंटाधार जैसे शब्दों को बहाल करने की, और कल ही विधानसभा ने कुछ शब्दों पर रोक लगाई थी। बिल्कुल, विधानसभा में कल जब बैठक हुई थी सर्वदलीय बैठक, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ शब्दों पर, संसदीय भाषा के शब्दों पर कल रोक लगाई थी। उसके बाद आज जो प्रोटम पूर्व प्रोटम स्पीकर हैं, भाजपा के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, उन्होंने आज एक पत्र लिखा है विधानसभा अध्यक्ष को, उस पर कई और विधायकों के उन्होंने साइन कराया है। उन्होंने मांग की है कि नक्सलवादी और बंटाधार जैसे शब्दों को बहाल किया जाए, उसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। निश्चित तौर पर भाजपा के लोग हमेशा से ही दिग्विजय सिंह को ही बंटाधार करते आए हैं, तो ऐसे में फिर से नक्सलवादी और बंटाधार शब्द को बहाल करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने पत्र लिखाया। फिलहाल देखना होगा कि विधानसभा अध्यक्ष इस पर क्या विचार करते हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने कई शब्दों पर रोक लगाई थी। जी धन्यवाद अंकुर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की है नक्सलवादी और बंटाधार जैसे शब्दों को बहाल करने की। देखने वाली बात होगी कि विधानसभा अध्यक्ष अब आगे क्या निर्णय लेते हैं।